स्पून जो है वो ऑयल के डाल देने हैं थोड़ी देर ईस्ट को एक्टिवेट करके, और फिर इसमें जो है वो मिक्स कर देना है इसको। और फिर इसकी जो डो जो है इसको 1 घंटे के लिए रख दें, है ना। वो थोड़ा सा ज़रा इसको नीट कर लेंगे। तीन तरीके इसको बनाने के, लेकिन मैं अभी आज एक ही तरीके से बना रही हूँ। जैसे मैंने एक पेड़ा डाली है, मैं इसको हाफ करूँगी और इसकी दो रोटियाँ जो हैं वो बेल लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस और ये मिक्स वेजिटेबल है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। ये मज़रीला चीज़ है, येलो पिनो है, ये ऑलिव हैं, और ये चिकन को बॉईल किया हुआ है नमक और काली मिर्च डाल के। गार्निशिंग कर सकते हैं ओरिगैनो की, मसाला कोई भी ऐसी बारबेक्यू आप उसमें डाल सकते हैं। इसको चीज के साथ जो है पैक करोगे डाल देना है। और फिर आपने क्या करना है, बड़े आराम से जो ये वाली रोटी है, ये दूसरी रोटी थी, उसको उसके ऊपर रख के तो हाथों से आराम आराम से इसको ऐसे आप प्रेस करें थोड़ा सा इसको स्टाइल देने के लिए, ताकि इसके किनारे थोड़े मुड़ भी जाएं और ये स्टाइल भी बन जाए, यानी किनारे जुड़ भी जाएंगे और स्टाइल भी हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारा ये देखो इसके किनारे, इसको वो नहीं करना, फ्राई नहीं करना, तो बिल्कुल बस इसको ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, थोड़ा सा ऑयल लगाना। ये देखो ये मैंने जो पराठा इसके ऊपर जो बनाया था वो डाल दिए। अब इसको मैं हल्की आंच पे ही पकाऊंगी और नीचे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर साइड चेंज कर दूँगी। ठीक है, अब इसको दूसरी तरफ से भी कुक करना है। ये देखो ये मैंने इसको डिश आउट कर ली है, अब मैं इसको ना कट करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इसके पीस किया, मैं इसको और भी वो करती हूँ।